Subscribe to Divine Bansuri YouTube channel and press the bell icon to get notifications about our latest uploads. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन बांसुरी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चिरंजीव और आज हम सीखने वाले हैं कि बांसुरी पे ब्लो कैसे करते हैं। तो बेसिकली ये बिगिनर ट्यूटोरियल है, एब्सोल्युटली बिगिनर ट्यूटोरियल है, जो मतलब कोई भी बिगिनर अगर बांसुरी को पकड़ते हैं तो वो पहली बात होता है उनको ब्लो करना। तो ब्लो करने से ही वो आवाज़ निकलता है और वो आवाज़ अच्छी तरीके से निकलता ही नहीं है बांसुरी में, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कोई भी बिगिनर को बांसुरी को स्टार्ट करने से पहले। तो आज मैं कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी और आप अच्छे तरीके से ब्लो कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक सी स्केल का बांसुरी लिया है, आप कोई भी स्केल ले सकते हैं, वैसे टेक्निक तो सेम है। तो बेसिकली बिगिनर्स सी स्केल का बांसुरी लेते हैं, तो इसीलिए मैंने भी वही स्केल का लिया है। तो आप जी स्केल, जी शार्प या और कोई स्केल भी ले सकते हैं। तो पहली बात, तो एक एक करके हम एक एक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अभी कि कौन कौन से वो टेक्निक्स हैं। तो पहली बात है ये ब्लोइंग होल रहता है जो भी, तो यहाँ पे कभी भी आप बांसुरी लेंगे तो 6 होल्स रहेंगे, 1 ब्लोइंग होल रहेंगे। तो यहाँ पे आपको ब्लो करना है, तो ब्लो करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स मतलब आपको पता होनी चाहिए तो किस तरीके से वो ब्लो करेंगे सो दैट वो अच्छे से आवाज़ निकलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपका माउथ का जो शेप है, ओपनिंग, वो कैसा होना चाहिए। तो बेसिकली जब भी बिगिनर पकड़ते हैं कोई भी फ्लूट को पकड़ते हैं तो वो ऐसे ब्लो करते हैं, उनका कुछ आवाज़ ऐसा आता है, मतलब ऐसे कुछ पकड़ते हैं वो और एकदम खराब आवाज़ आता है, कुछ वो एकदम ऐसा आवाज़ नहीं आता है। तो ये आवाज़ कैसे लाया जाए परफेक्टली सो दैट वो एयरी साउंड भी ना है और उसमें वो ये सब ना आए। तो उसके लिए पहला तो आपका माउथ का ओपनिंग कैसा होना चाहिए। तो माउथ का ओपनिंग ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपको पता है पेन का जो कैप होता है, हम लोग उसमें कैसे करते हैं ऐसा स्मॉल ओपनिंग, जैसे कोई घाव होता है उसमें हम कैसे उसमें फूंक मारते हैं, किसी का अगर अपना घाव रहता है तो उसमें हल्के से उसमें एकदम ऐसा नहीं करना है, ऐसा ओपनिंग होना चाहिए इतना ही। तो पहला तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ओपनिंग शेप ऑफ द माउथ होल वैसे ही होना चाहिए। और एक पॉइंट यहां पे आता है कि आप कैसे करके आपका माउथ का ओपनिंग कितना आप खोल रहे हैं। खोल रहे हैं मतलब मैंने जैसे बताया अभी कि आपका माउथ इतना होना चाहिए, कितना छोटा है देखिए, अगर आप इसको बड़ा कर देंगे तो ये क्या हो रहा है, इतना एरिया खुल जा रहा है। देखिए कितना, कितना कम है, छोटा सा ही है, अगर आप इसको बड़ा कर देंगे तो क्या होगा, तो क्या हो रहा है, आधा हवा उसके अंदर जा रहा है और आधा आपका दोनों साइड से पास हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो हवा एयरी साउंड को क्रिएट कर रहा है। तो इसके लिए आपको मतलब वो जो आपका ओपनिंग है वो उतना ही चाहिए जितना उसमें एंटर कर रहा है, जितना इसका डायमीटर है अराउंड उतना ही आपको ओपन कर रहा है, परफेक्टली हुआ घुसेगा वो जो हवा तो पूरा आवाज आएगा। वो साइड से जब लीक होगा तो वो हवा का साउंड आएगा, तो इसलिए वो उतना ही खोलिए, वो शेप ऐसा ही बनाइए और उतना ही खोलिए जितना इसका ऑलमोस्ट उसका डायमीटर है, तो उसके अंदर जाए। अब सेकेंड पॉइंट है ब्लोइंग एरिया कहां पे ब्लो करना है और उसका एंगल क्या होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला तो आपका माउथ का वैसा ओपनिंग होना चाहिए और कहां पे ब्लो करना है। अभी मैं पास आता हूं, कैमरा के पास आता हूं और आपको बताऊंगा कि देखिए अभी मैं ये ब्लोइंग होल है और मैंने अपना शेप ऐसा बनाया, ठीक है। अब मैं पूरा इसको अपने लिप के सेंटर में रखूंगा, ठीक है, और इसको थोड़ा एडजस्ट करूंगा लिप्स को
और होल को सो दैट वो फिट हो जाए, और जो ब्लोइंग एंगल होगा वो पूरा सीधा इनसाइड द फ्लूड होगा, ना कि ऐसा ऐसा नहीं जाना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए टूवर्ड्स द होल, ऐसा थोड़ा एंगल होना चाहिए, थोड़ा ये और ये पूरा सीधा होना चाहिए, आपका जो ब्लोइंग होल है और आपका जो लिप है ये पैरेलल होना चाहिए, देखिए कहां पे जा रहा है, पूरा स्ट्रेट स्ट्रेट टू द होल। अगर आप इसको थोड़ा भी मोड़ देंगे फ्लूट को, देखिए वो ले ही नहीं रहा है, वो हवा जा ही नहीं रहा है उसके अंदर, तो वो बजेगा कैसे। और अगर टुवर्ड्स अपने तरफ अगर आप घुमाएंगे तो भी नहीं बजेगा, परफेक्ट उसके अंदर जाना चाहिए सारा हवा, मतलब हवा बाहर आना नहीं चाहिए। अगर आप उसके लिए टेस्ट कर सकते हैं, कभी भी आप ब्लोइंग करने से पहले ऐसे पकड़िए, पूरा जो एब्सोल्यूट बिगिनर है इसको इसको भूल जाइए, ये फिंगरिंग होल्स को नॉर्मली ऐसे पकड़िए और ब्लोइंग को पहले परफेक्ट कीजिए, पूरा सेंटर में रहना चाहिए लिप्स के सेंटर में, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसके पूरा, और फ्लूट को ज्यादा नहीं, पूरा सीधा ऑलमोस्ट ऐसा, हवा ऐसा जाना चाहिए, ठीक है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो उसको आप ध्यान से कीजिए, देखिए अभी परफेक्टली हवा निकल रहा है, अगर थोड़ा भी मैं अपने तरफ कर दिया या अपने तरफ से दूर कर दिया होल को, तो वो तो एक पॉइंट है जहां पे वो अच्छे से परफेक्टली निकलेगा और वो सुर में निकलेगा, तो आप उसको बार बार बजाइए, कॉन्टिन्यूसली बजाइए पूरा परफेक्ट होने तक, वो आवाज मतलब ऐसा हवा नहीं निकलना चाहिए। तो अगर आप सामने हाथ रखेंगे तो हवा नहीं आना चाहिए, अगर आप ऐसा करके ब्लो कर रहे हैं तो हवा तो जा नहीं रहा है उसके अंदर, और आपका हवा सारा आपके हाथ में लग रहा है, आपको फील होगा वो चीज, थोड़ा तो हवा आएगा ही, दैट इज द नेचर ऑफ बांसुरी, उसमें हवा आएगा ही थोड़ा सा, बट वो साउंड पूरा क्रिस्टल क्लियर सुनाई देना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फॉलो कीजिएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका प्लेसिंग, जो जो फिंगर होल है उसका और आपका लिप का प्लेसिंग, प्लेसिंग कैसा होना चाहिए, मतलब जब भी आप बांसुरी पकड़ रहे हैं तो कैसे करके उसको रखें, पहले 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 बांसुरी जब भी पकड़ा जाता है तो उसको पहले रखा जाता है फ्लूट में, मतलब ठीक है, अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ वो फ्लूट और वो जो होल है और वो जहां पर ये है वो परफेक्टली सेट है। तो ये कैसे करना है, ये आपका जो ब्लोइंग होल है और ये लिप्स है, ये लिप्स थोड़ा 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 प्रेशर होगा, ऐसे हल्के में नहीं रखना है, थोड़ा दबागे दबागे इसको, इस ये जो मसल है, ये जो एरिया है, ये दबना चाहिए, मतलब ये देखिए हल्के हैं, ये दब रहा है, देखिए हल्के में नहीं रखना है, हल्के में रखने से आप वो स्टेबिलिटी भी खो देंगे, मतलब ये यहां पे पूरा फिट होना चाहिए, पूरा मतलब लग के रहना चाहिए लिप्स में, देखिए पूरा फॉर्म नहीं हो, ऐसा हल्का नहीं रहना चाहिए। तो यहां पे एक टाइट ग्रिप मिल जाएगा आपको, यहां पे पूरा मतलब अगेंस्ट द लिप वो टाइटली पूरा रहना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो भी अभी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं वो पूरा सब अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका पूरा ब्लोइंग परफेक्ट हो जाएगा।
एक फर्स्ट पॉइंट हो गया फिंगर, आपका जो माउथ का शेप का होल है वो कैसा होना चाहिए, और टाइटली आप पकड़ेंगे और टुवर्ड्स द होल ब्लो करेंगे, कहां पे एंगल, बेसिकली बेसिकली एंगल जो है वो कैसे रखना चाहिए, तो पूरा ऐसा आवाज आना चाहिए। ये सब छोड़ दीजिए, ऐसा पकड़िए, ऐसे ऐसे पकड़ के ये होल्स को पूरा छोड़िए, ये गैप में, लगभग अराउंड 200-300 बार बजाइए इसको पूरा परफेक्टली, जब तक वो आवाज ना निकले वैसा परफेक्टली। अभी देखिए, ये सी स्केल का फ्लूट हो गया, अभी मैं जी स्केल लेता हूं, सेम टेक्निक, जी स्केल में भी वही चीज है, थोड़ा दबा के पूरा स्ट्रेट टुवर्ड्स द होल, और होल का आपका जो शेप है ऐसा होना चाहिए। आप सुन पा रहे होंगे कि हवा का आवाज उतना नहीं आ रहा है, या नहीं आ रहा है ऑलमोस्ट। और वही चीज ई स्केल में अगर मैं प्ले करता हूं तो आप एडजस्ट कीजिए फ्लूट को थोड़ा टाइटली, ठीक है। सेम चीज अगर मैं सी स्केल में उस एंगल में बताऊं आपको, ठीक है, तो ऐसे ही करके प्रैक्टिस करना है, तो आपका पूरा पूरा जो ब्लोइंग का जो प्रॉब्लम है वो पूरा रिजॉल्व हो जाएगा, तो आप इजीली उसके बाद धीरे धीरे करके आप, लेट्स से आप सी स्केल में बजा रहे हैं तो धीरे धीरे, और उसके बाद मैं होल्डिंग के बारे में भी बताऊंगा कैसे होल्ड करना है और कैसे वो आपको स्टेबिलिटी लाना है, ठीक है। देखिए, ब्लोइंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लोइंग अगर स्ट्रांग हुआ तो ही बांसुरी अच्छा सुनाई देगा, और वो सुर लगेंगे वैसे ही वो अच्छा लगेगा, नहीं तो फिंगर अगर अच्छा चल रहा है, मतलब दोनों ही चाहिए, फिंगरिंग का स्ट्रांग फिंगर भी एकदम, मतलब बहुत जल्दी से मूव होना चाहिए और बहुत फास्ट मूव होना चाहिए, और आपका ब्लोइंग भी उस हिसाब से परफेक्ट होना चाहिए। तो ब्लोइंग का पहला बेस है यही, जैसे मैंने 3 पॉइंट्स बताए, तो उसको फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हैं तो लगेगा 15-20 दिन तक डेली उसको ऐसे करके ही प्रैक्टिस कीजिए, सो दर आपका वो पूरा ही क्लियर हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा, सो दैट मैं जो भी वीडियोज़ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ छोड़ता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएँ। और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे, मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। तो फिर से धन्यवाद, और मिलते हैं एक अगले वीडियो पे।